तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों सैमसंग टैब के बारे में। और बहुत से भैया का कमेंट आ रहा था कि भी हमारा जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट आप बताओ मेरे को। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे, तो इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे कि आप कंप्लीट आपको सोल्यूशन बताएंगे, लॉन्चर के बारे में भी बताएंगे आपको कौन सा लॉन्चर जो है यूज़ करना चाहिए और बार बार प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसके साथ साथ हार्ड रीसेट कैसे करते हैं हम वो भी बताएंगे, अनलॉक जो टूल है हमारा वो कैसे वर्क करता है और उसमें पासवर्ड क्या है और कैसे आप यूज़ करोगे, कैसे मोबाइल को कनेक्ट करना है, सारा का सारा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और लास्ट में हम बात ये भी करेंगे आपको कि आपका जो टैब है दोस्तों नॉर्मली कैमरा कुमरा चलने के बाद में अगर आपका जो टैब है दोस्तों कटर फिर से लेके आना है तो वो कैसे करें, उसके लिए भी लास्ट में वीडियो में मैंने बताया। तो जिन भाइयों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको USB कनेक्ट करके अपने PC पर अपना टैब को ऑन करके रखना है। सबसे पहले ये करना है आपको, उसके बाद में PC की डेस्कटॉप पे चलना है। ये जो जितने भी सेटअप मैंने बताए हैं लिंक जो है वीडियो के नीचे है, इस क्लिक में आपका जो है यहाँ पे सभी का सभी डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे डाउनलोड होता है सबसे पहले आपको करना क्या है, दिख लीजिए यहाँ पे MediaTek और सैमसंग का ड्राइवर मैंने दिया है। सबसे पहले जिन भाइयों ने सैमसंग का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है अपने PC पे, अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले सैमसंग का करना है। मैंने किया हुआ है तो आपको सैमसंग का ड्राइवर दिया है, सबसे पहले वो करना है, उसके बाद में MediaTek का करना है। तो वेट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए MediaTek SP ड्राइवर, इसको यस करना है। यहाँ से यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपके ड्राइवर हैं दोस्तों, सबसे पहले जितने भी ड्राइवर हैं वो अनइंस्टॉल होंगे, उसके बाद में इंस्टॉल होगा, वही इंस्टॉल होगा जो आपको चाहिए है, अदरवाइज जितने भी हैं अनइंस्टॉल हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए अनइंस्टॉल हो चुके हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ओके करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे PC को रिस्टार्ट कर सकते हो, बट अगर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों अनलॉक टूल के बारे में। अनलॉक टूल जो है क्रैक वर्जन हमारे पास, एंटीवायरस डिसेबल करना पड़ेगा आपको, कौन अगर आप विंडोज 7 में करते हो तो भी करना पड़ेगा, विंडोज 10 में करते हो तो भी करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए रन इन एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और दिल यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, ये देखिए ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे अनलॉक टूल है दोस्तों, और उसके बाद में यूजर पासवर्ड है और MTK ड्राइवर है। देखो फिर भी प्रॉब्लम किसी भाई को आ रही है तो मैं एक बार जो MediaTek का जो ड्राइवर है ओप्पो वीवो जितने भी हैं या रीलोडर हैं वो भी डाउनलोड मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो वेट करेंगे, यहाँ पे अलाउ करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको। अभी प्रॉपर मैंने बता दिया आपको, और ऐसे कैसे आप करोगे तो आपका जो सोल्यूशन है दोस्तों 200% होने वाला है। यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको। उसके बाद में दोस्तों अनलॉक टूल पे आपको एक बार ही क्लिक करना है। बहुत से भाइयों को मैंने देखा है पाँच छः सात बार कर देते हैं, उसके बाद में ID का अथॉरिट चलता नहीं है, पासवर्ड नहीं लगता है। वो उन के लिए मैं बता दूं, एक बार क्लिक करने के बाद में आपको वेट करना है 2 से 4 मिनट का, उसके बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड वही है दोस्तों, यूजर नेम भी वही है Sunil ROH 12, और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में लॉगिन करना है। यहाँ से वेट करेंगे, और भाई 502 एरर आ रहा है जिस भाई को, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये एरर जो है दोस्तों ऑटोमेटिक शाम के टाइम पे आता है और सुबह के टाइम पे चला जाता है, तो इसका फिक्स कोई सॉल्यूशन आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आपको अगर 502 का यूजर एरर आ रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेट करना होगा। देखिए MediaTek है, यहाँ पर MediaTek पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में फ्लैशिंग पे क्लिक करेंगे, फिर सर्वर पे क्लिक करना है आपको। देखिए मैं कर देता हूँ एक बार, सर्वर पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट, ब्रांड हमारा सैमसंग है, मॉडल हम सेलेक्ट करने वाले हैं। मॉडल हमारा लगभग जो मॉडल है दोस्तों 225 ही है, तो आपको 225 कर लेना है। अगर आपका मॉडल दूसरा है तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर हमने ड्राइवर को यहाँ पर निकाल के रखा है। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट यूजर है, उसको भी हम क्लिक करेंगे एक बार, और इसके साथ साथ देख लीजिए मैंने अभी पावर बटन और वॉल्यूम बटन और वॉल्यूम डाउन बटन सभी के सभी दबा के रखे हैं। जैसे हमारा जो टैब है दोस्तों ऑफ होता है, उसके बाद में आपको माइनस की और प्लस की दोनों दबा के रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने कनेक्ट किया,
अभी हमारा ड्राइवर देख लीजिए इंस्टॉल नहीं है। देखो फेल्ड टू ओपन कमांड 20 दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड दिस फाइल। तो ये ऑप्शन जब भी आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से कनेक्ट आपका टैब नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हमने टैब को फिर से ऑन कर लिया है, हमें पावर बटन माइनस की और प्लस की तीनों को दबा के रखना है एक साथ। देख लीजिए मैंने दबा के रखा है, जैसे हमारा टैब ऑफ होता है अभी हमें पावर बटन को छोड़ देना है और वो दबा के रखना है, ऐसे आपका हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, कॉम में आपको मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट V1632 ये आना ज़रूरी है आपका, तभी आपका जो है फॉर्मेट होगा। तो ये तो था दोस्तों हमारा फॉर्मेट का। इसके अलावा हम लॉन्चर भी यूज़ करने वाले हैं, अच्छा ही लॉन्चर यूज़ करने वाले हैं। और बहुत से भाइयों का ये भी मैसेज आ रहा था कि भी हमारा जो टैब है दोस्तों चलते चलते 20 मिनट में 15 मिनट बाद में ऑफ हो जाता है, तो वो भी सॉल्यूशन करेंगे। एक बार हम फिर से कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। देखिए पावर बटन माइनस की और प्लस की दबा के रखना है, जैसे हमारा ऑफ होता है उसके बाद में आपको माइनस की और प्लस की दबा के रखना है, जैसे हमारा हो जाएगा ऐसे, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रॉपर अगर आप कनेक्ट करोगे, प्रॉपर ड्राइवर करके आप कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मीडियाटेक यूएसबी ड्राइवर है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हार्ड रीसेट करना है आपको, फैक्ट्री डाटा क्लिक करेंगे, ये आपको सबको पता है, मैं फिर से भी बता देता हूँ आपको हार्ड रीसेट करने का तरीका। तो ये था दोस्तों हार्ड रीसेट करने का तरीका। अब आपको करना क्या है, वेट करना है। यहाँ पे हमारा जो सैमसंग का जो मोबाइल ये जो टैब है जो, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑन हो चुका है। उसके बाद में एसेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, टेक बार पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ये अलाउ करेंगे। अच्छे से देख लेना भाई, यहाँ पे भी दो चार भाइयों का प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये देख लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे आपको करना है, समझ रहे हैं, मैं दिखा दिया। थोड़ा दबा के करना है दोस्तों, आपको लूज में नहीं करना है, थोड़ा टाइट हाथ से करना है आपको, जैसे थोड़ा दबा के करते नहीं है ऐसे आपको करना है। अभी देख ले मैंने टाइट हाथ से हल्के हाथ से किया नहीं हुआ, तो आपको थोड़ा टाइट करके और फिर आपको यहाँ पे करना है। तो मैं एक बार देखो फिर से ट्राई किया मैंने, ये देखिए हल्के हाथ से होगा नहीं, तो मैं अभी दूसरे हाथ से थोड़ा टाइट की तरफ से करता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए आ जाएगा। ये देखिए एक बार हम फिर से क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे देख जो ये ऑप्शन आने के बाद में आपको यूज, देखिए मैं एक बार फिर से निकाल के दिखाता हूँ, ये ऑप्शन आने के बाद में आपको यूज वॉइस कमांड्स, इस पर एक बार क्लिक करके रखना है। अब दो बार क्लिक करना है आपको और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट बोलना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे आपको करना है ओपन गूगल। जैसे आप ओपन गूगल करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये सर्च आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों टैग बैक जो है यहाँ पे लगा हुआ होगा, इस पर आपको करना क्या है, माइनस की और प्लस की दोनों को दबा के रखना है। उसके बाद में वन लॉन्चर एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। फर्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए ये जो साइट है दोस्तों, अप टू डाउन, यहाँ पे वन लॉन्चर एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करना है आपको। इससे होगा क्या, बहुत अच्छा लॉन्चर है दोस्तों। उन दोनों लॉन्चर में प्रॉब्लम आ रहा था कि बैक जा रहा था, तो अभी इसमें कुछ भी बैक नहीं जाएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओपन करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। मैंने इंस्टॉल पहले से किया हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा वे बैक कर लेता हूँ दोस्तों, या होने भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने किया नहीं था पहले, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो जैसे देखो यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ से जैसे आप ओपन करोगे दोस्तों, तो ये वाला स्क्रीन आ जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्लिक करना है आपको यहाँ से, ये बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, इस लॉन्चर में और कुछ भी नहीं करना है आपको। ये देखिए पबजी, पबजी लाइट और फ्री फायर और एमएक्स प्लेयर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी के सभी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो कैसे इंस्टॉल किया वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको टाइप करना है शेयर करो, या कोई भी शेयर के एप्लीकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो जो आपके मोबाइल में आप यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए अप टू डाउन वाली जो साइट है दोस्तों, इस पर ही आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया है ये वाला एप्लीकेशन, तो मैं अभी डाउनलोड करके छोड़ देता हूँ, वैसे ओपन नहीं करूँगा इसको, ओपन वहीं से कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ से करोगे, ओपन करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल लेने के बाद में आपको बैक करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन पे ओपन करना है। तो देख लेते हैं, ये देखिए हमारी जो शेयर करो एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है। वेट करेंगे यहाँ पे, ओपन होने देते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट।
यहाँ पे देख लीजिए, ये टैब है दोस्तों, ये हमारा टैब है, इसमें हमें करना क्या है, इस पर हमें करना है सेंड का, ये देखिए सेंड करना है आपको। और इसमें आपको सेंड करने के लिए आपको कोई भी छोटी मोटी एप्लीकेशन या कोई भी फ़ोटो आप सेंड कर सकते हो, एक बार सेंड करने के लिए है बस। यहाँ पे देख लीजिए सेंड किया मैंने, अभी शेयर करो का जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये मैंने दूसरे मेरे मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, उससे इस टैब को हम कनेक्ट करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। तो देखिए यह देखिए, यहाँ पे हम करेंगे रिसीव, जो मोबाइल है दोस्तों उस पर हम करेंगे रिसीव, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रिसीव करोगे टैब पे तो वो होगा नहीं, आपको टैब पे सेंड करना है, इस पर रिसीव करना है मोबाइल पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन आया है, यहाँ पे देख लिए, ये यहाँ से स्कैन करेंगे हम कोड, ये बार कोड है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से आपको ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए वेट करते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो एप्लीकेशन मैंने की थी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमारा टैब का कोई भी काम नहीं है, आप टैब को यहाँ साइड में रख दो, मोबाइल को रखो। अभी आपको मोबाइल में करना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए सेंड फाइल, इसमें दोस्तों आपको जो भी एप्लीकेशन चलानी है, जैसे फ्री फायर चलाना है, व्हाट्सअप चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फ़ोनपे चलाना है, या फिर आपको जो भी चलाना है यहाँ से आपको शेयर करना है। देखिए मैं यहाँ पे फेसबुक यहाँ पे शेयर करता हूँ, ये यहाँ पे सेंड करेंगे, और यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे फेसबुक आ चुका है, समझ रहे हो। ऐसे आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है, आपको प्ले स्टोर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत से भाइयों का क्या, किसी का भी प्ले स्टोर नहीं चल रहा है, तो प्ले स्टोर नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये जो ट्रिक है आपके लिए लेके आया हूँ, तो यहाँ से आप शेयर करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी हम फाइल मैनेजर में एक बार चलते हैं इसके, ये देखिए यहाँ पे फाइल मैनेजर है हमारा, यहाँ पे यूट्यूब भी अगर आप चलाओगे तो ये जो लॉन्चर है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा काम यही है। आप कितना भी बैक करो इसको, कितना भी बैक करो, जब तक आपका टैब जो है दोस्तों ऑफ नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है यहाँ पे, देख लो आप। और उस लॉन्चर में क्या था, अगर आप बैक आना था, ये सेटिंग में जाना पड़ता था आपको, तो फिर से ओपन करना पड़ता, बट इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ये आपका प्रॉपर जैसे हमारा टैब काम करता है ना दोस्तों, वैसा का वैसा आपका टैब काम करता है, आपको बैक करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें ये सबसे अच्छा है, इसीलिए मैंने ढूंढा है। तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक का टारगेट जो है इस वीडियो का 500 का लाइक का टारगेट है भाई, तो लाइक करवा दो। और जिन जो भाई हमारे जो है ना विदाउट पीसी के करने के लिए बोल रहे हैं ना दोस्तों, उनके लिए भी देखो टाइम लगेगा, मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा विदाउट पीसी के लिए भी। देख लीजिए यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। और बहुत से भाइयों का ये भी कमेंट आ रहा था कि इंस्टाग्राम जो है लॉग इन नहीं हो रहा या फेसबुक नहीं चल रहा, वो भी मैं प्रॉपर तरीके से आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वेट करेंगे। ये देखिए मैंने हमारे पे यहाँ पे जो सुनील रोहिला जो हमारा फेसबुक है दोस्तों अकाउंट है, वो यहाँ पे देख लीजिए लॉगिन हो चुका है यहाँ पे। तो जो प्रॉपर हमारा टैब नॉर्मली चलता है दोस्तों, वैसा का वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ भी ना चले, सब कुछ चलता है, सब कुछ ऑल इन वन चलेगा, ऐसे आप अगर आप ट्रिक करते हो तो। उन एप्लीकेशनों में क्या था, उन लॉन्चरों में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए मैं बैक जितनी बार आप करोगे उतनी बार बैक कर सकते हो। अभी हम एक बार इंस्टाग्राम को भी चेक कर लेते हैं, हमारा इंस्टाग्राम जो है चला हुआ है या नहीं चला हुआ, देख लीजिए हमारा इंस्टाग्राम जो है दोस्तों प्रॉपरली यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी चला के मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सअप चलाना चाहते हो, व्हाट्सअप भी चलेगा आपका, गेम भी हमें मैंने बता दिया है। तो ये देखिए सब कुछ चल गया, अभी हम एक बार रिस्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, रिस्टार्ट करते हैं, वेट करेंगे रिस्टार्ट करके, यहाँ पे रिस्टार्ट होने देते हैं। बहुत से भाइयों का ये भी कमेंट था कि भाई हम जो है ना वापस कटर को कैसे लेके आएं, तो ये जो वीडियो है दोस्तों इसमें ही मैंने ये भी बता दिया है आपको कि आप वापस जो सेटअप है कटर वाला वो कैसे कर सकते हो। तो रिस्टार्ट देख लीजिए, आपने ऑफ करके ऑन करना है टैब को, ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना, आपको ऑन करके ऑफ करना है या ऑफ करके ऑन करना है। देख लीजिए ये स्क्रीन आ जाएगी आपको, देखिए ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, मैंने यहाँ पे लॉक लगा दिया था, तो मैं लॉक यहाँ पे खोल देता हूँ, आपका लॉक नहीं लगेगा अगर आप नहीं लगाओगे तो, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे वेट करेंगे, पूरा का पूरा सेटअप मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे।
देखिए होम पेज पे आ गया। अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो दोस्तों तो कटर का वापस हो जाएगा। एसेसिबिलिटी पे करते हो तो आप जो है लॉन्चर यूज करने लगोगे। तो अभी हम नॉर्मली हमारा जो टैब कटर वाला है वो हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और वेट करेंगे। ये देख लीजिए ये ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से वेट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आने वाला दोस्तों, आपको कुछ भी एरर नहीं आने वाला है। ये वेट करेंगे यहाँ पे। और मोबाइल के डाटा से ही मैं यूज कर रहा हूँ इसको। ये भी देख लीजिए मैंने कोई भी वाईफाई कनेक्ट नहीं किया अभी तक। ये देखिए यहाँ से आपको ओके करना है। ये देखिए कनॉक्स मैनेजर आ चुका है हमारा। और अब हम देख लीजिए कनॉक्स आ चुका है, उसके बाद में साइन इन करेगा। ये वेट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए एग्री करेंगे। बट आपको ये बता दूं दोस्तों, अगर आप एक बार कटर लेके आते हो ना तो उसके बाद में आपको एक बार फिर से आपको हार्ड रीसेट या फॉर्मेट करना पड़ेगा आपका पीस जो टैब है वो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे ही अगर आप हार्ड रीसेट करते हो तो आपका एसेसिबिलिटी आ जाएगा। बट आप अगर ये वाला सेटअप पूरा कर देते हो हार्ड रीसेट करने के बाद भी, तो आपका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है वो कटर वापस आ जाएगा, आपका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर हार्ड रीसेट करने के बाद में एसेसिबिलिटी पे आप जाते हो तो ही आप सब कुछ यूज कर सकते हो। बट अगर ऐसे सेटअप करोगे आप तो आपको देखने को कटर ही मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको अगर आपको लॉन्चर में यूज करके सब कुछ चलाना है तो आपको यहाँ पे एसेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। बट आपको बाई चांस किसी वजह से आपको अगर कटर वाला करना है तो आपको स्टार्ट पे बटन स्टार्ट पे करना है, और मैंने जो बताया आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे कर लेना है। तो चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं, फिनिश करेंगे। फिनिश पे थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, तो थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए यू आर रेडी, डिवाइस इज़ रेडी। तो यहाँ पे वेट करेंगे। इंस्टॉलिंग टू कनॉक्स ऐप, प्लीज़ वेट। ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको नो करना है या यस करना है। ये जो है दोस्तों हमारी लोकेशन है, ये आप पे है, जो आप करना चाहो यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको डन करना है और थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। वेट करेंगे। एंटीवायरस भी उस पर पीसी पे जाके आपको डिसेबल करना है, मैंने पहले भी बता दिया है। विदाउट पीसी के लिए मैं फिर बता दूँ एक बार भाई, जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और लाइक जो है दोस्तों, लाइक जो है हमारा यहाँ पे लाइक है हमारा 500, और भाई देख लेना सब्सक्राइब भी कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ये जल्दी ही आपका जो है हो जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ये जैसे आप करोगे तो हो जाएगा। चलो मैं आपके लिए एक सेकंड का वेट भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक बार पावर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइम लेने वाला है। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है भाई, आप सबके लिए एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको लिए वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आपको फिर से अनलॉक करना है, मैंने लॉक लगा दिया था। तो ये आ गया कटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।